नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलता रहे। चुनावड़ से हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। चुनावड़ से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, मचा हड़कम, मिला कोई मौत का सामान नहीं। कस्बे की मेन बाजार में मंगलवार दोपहर को श्री गुरु नानक कृपया मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर स्विता छाबड़ा ने अचानक छापा मारकर दबिश दी गई। इससे दबिश देने से मेडिकल स्टोरों में हड़कम मच गया और अपनी अपनी दुकानों के शटर लगा गिराकर मेडिकल स्टोर संचालक गायब हो गए। जानकारी के अनुसार मेन बाजार में श्री गुरु नानक कृपया मेडिकल स्टोर संचालक सोनू तागरा पुत्र श्यामलाल तागरा का घर में ही मेडिकल स्टोर है। मंगलवार को इंस्पेक्टर स्विता छाबड़ा ने चुनाबड़ बस स्टैंड पर आकर मेडिकल स्टोर का एड्रेस पूछा तो उसी टैक्सी संचालक ने मेडिकल संचालक को सूचना देकर सूचना लीक कर दी, जिससे मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर का शीशे व घर का गेट लॉक करके घर में ही भूमिगत हो गया। इतने में जांच अधिकारी ने मेडिकल स्टोर पर दबिश दे दी। 15-20 मिनट इंतजार के बाद इंस्पेक्टर ने पुलिस को बुला लिया और घर व दुकान में जांच व तलाशी ली गई, लेकिन वहां नशा का सामान नहीं मिला। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इतना समय मिलने पर मेडिकल संचालक ने मौत का सामान गायब कर दिया। इस दौरान जांच अधिकारी ने बताया कि ड्रग का सामान तो मिला नहीं है, लेकिन अत्यधिक खरीदी दवाइयों का बिल नहीं है। बिल बुक व रजिस्टर में खामियां पाई गई है। मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस दिया गया है। स्विता छाबड़ा का कहना है कि ये निरीक्षण किसी की शिकायत पर किया गया है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे के सभी मेडिकल स्टोर पर नशा यानी मौत का सामान लंबे समय से बेरोक टोक सरेआम बिकता है, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा पीढ़ी इस नशे की दल में फंसती जा रही है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि मेडिकल स्टोर संचालकों की बहुत ऊंची अप्रोच है। ग्रामीणों ने इस पर अंकुश लगाने की प्रशासन से मांग की है।